जल शक्ति अभियान के तहत चल रही योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंची केंद्रीय टीम वेरमो। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल शक्ति अभियान के तहत वेरमो प्रखंड अंतर्गत 19 पंचायतों में चल रही योजनाओं का निरीक्षण करने केंद्रीय टीम वेरमो पहुंची और जल शक्ति अभियान की योजनाओं से भौतिक स्थल पर जाकर अवगत हुए, जिस दौरान केंद्रीय टीम वेरमो प्रखंड के जारंगडी उत्तरी व दक्षिणी पंचायत के साथ साथ बोड़िया उत्तरी पंचायत में जल संचय के लिए चल रही सरकार की योजनाएँ और कार्यों की स्थिति का भी जायजा लिया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान वेरमो प्रखंड के पदाधिकारियों को सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। निरीक्षण दल में दिल्ली से आए वेरमो नोडल पदाधिकारी सनातन, हैदराबाद से आई भूवैज्ञानिक रेशमा एस पिल्लई, वेरमो प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार, वेरमो नोडल पदाधिकारी श्रुति प्रिया, अरविंद क्रिश्चियन, जारंगडी उत्तरी पंचायत मुखिया मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, वार्ड सदस्य ललित रजक मुख्य रूप से शामिल थे। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो ब्यूरो विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। बोलिए सर। देखिए, जल शक्ति अभियान प्रधानमंत्री का एक बहुत ही एक फ्लैगशिप स्कीम है। पाया गया कि देश में 687 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो क्रिटिकली वहाँ पे पानी का लेवल जमीन की सतह से बहुत नीचे जा रहा है और आने वाले समय में ये बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है। तो इससे निपटने के लिए एक विशद बहुत ही बृहद अभियान चलाया गया है। उसके तहत में झारखंड के अंदर बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेरमो ब्लॉक जो है वो भी एक ऐसा है, उसके अंदर 19 पंचायत का हमने चयन किया केंद्र सरकार ने, और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल वाटर कमीशन के जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें डिसाइड करी कि कहाँ पर कितनी क्रिटिकलिटी है। तो उसके तहत में केंद्र सरकार ने टीम का गठन किया, हम सारे जगह जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वाटर टेबल को कैसे हम उसको रेज कर सकें, उसके क्या क्या उपाय हैं, जैसे सोक पिट्स हैं, रिचार्ज पिट्स हैं और ट्रेंचेस हैं, बहुत सारे और भी उपाय हैं। वो इस स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ये स्कीम हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, उसको एक जन अभियान और एक जन आंदोलन के रूप में उसको हम लोग सोच रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाएं, सभी जनता का सहयोग इसमें हम लोग। निरीक्षण के दौरान क्या पाया सर आपने? निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि इसके अंदर आम जनता की सहभागिता की अनिवार्यता है और सभी लोग ये जानें कि ये जल जो है वो सरकार के लिए नहीं है, वो जन जीवन के लिए है। तो जनमानस जो है, तमाम हमारे वेरमो ब्लॉक के लोगों से मैं आह्वान करूँगा कि आप भी इस चीज़ में आप सजग हों, पहचानें कि आने वाली समस्याओं को हम अपने आज की कार्रवाई से उसको हम टाल दें, पानी को हम नहीं बचाएं बल्कि उसके वर्षा का जल जो है उसका हम अनुरक्षण भी करें। ताजा और अपडेट न्यूज के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।